हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में कभी कभी दिल करता है ना कि रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवी वाली सब्जी खाई जाए तो आइए आज बनाते हैं एक स्पेशल सब्जी जो बिल्कुल रेस्टोरेंट फाइव स्टार जैसा टेस्ट देगी और बनाने में एकदम सिंपल है आप इसे डिनर में बनाइए या लंच में ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसे कोई भी बना सकता है ये है गोभी की सब्जी सबसे पहले मैं गोभी को फ्राई कर रही हूँ ये देखिए मैंने गोभी के बड़े बड़े पीसेस लिए हैं जैसे गोभी का फूल होता है उसमें से हाथ से पीसेस को तोड़ना है आपको इसे कट नहीं करना है तोड़ तोड़ के ही इन्हें ऑयल में डाल दीजिए फ्राई कर लेते हैं इन्हें ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है डीप फ्राई नहीं करना है सिर्फ इसे थोड़े से ऑयल में आपको शलो फ्राई करना है ये देखिए इस तरह से पलटते हुए इसे फ्राई कर लेंगे दूसरी तरफ तैयार करते हैं ग्रेवी का मसाला यहां पे मैंने लिए हैं दो बड़े टमाटर और दो बड़े प्याज साथ ही मैंने लिए आठ दस लहसुन की कलियाँ और दो इंच का अदरक का टुकड़ा थोड़े से मैंने इसमें धनिया पत्ते डाले हैं साथ ही मैंने इसमें डाला है मलाई और थोड़ा सा दूध भी है दो चम्मच और इसमें मैंने डाली है एक हरी और एक लाल मिर्च बाकी मिर्च मैं तड़के में यूज करूंगी ये थोड़ी तीखी है तो मैंने दो ही डाली हैं आप मिर्च का टेस्ट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं अब इसे एक बिसन लगा लेंगे और सारे मसालों को पीस लेंगे ये गोभी हमारे यहाँ फ्राई हो गई है गोभी को आपको तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें बाहर से डार्क स्पॉट्स नहीं आ जाते इससे खुशबू ना आने लगे जब आपकी खुशबू बढ़िया आएगी और गोभी अच्छे से सिक जाएगी तो ये इस तरह का कलर देती है आपको बिल्कुल डार्क कलर कर लेना है इसे और प्लेट में निकाल देना है इसी तेल में मैं फ्राई कर रही हूँ आलू तेल का आपको टेम्परेचर बहुत हाई रखना है लो टेम्परेचर पर अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो ये आलू थोड़े थोड़े कच्चे होते हैं लेकिन बाहर से कोट नहीं होते अगर आप इसे तेज फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बाहर से बहुत अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे और जो ये क्रंच साइड से जो कॉर्नर से बनता है वो बहुत ही टेस्टी सब्जी में लुक देता है और आलू सब्जी में घुलते भी नहीं है ये देखिए साइड से जिस तरह से मैंने इसे कोट कर लिया है तो ये जो किनारी बन रही है ना यही बहुत बढ़िया टेस्ट देती है छोटे छोटे टिप्स को ध्यान में रख के आप बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी सब्जी घर में बना सकते हैं बचे हुए आयल में मैंने डाली है हल्दी थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ा सा जीरा पाउडर लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ये बेसिक चीजों को मैंने भून लिया है बिल्कुल दो से तीन सेकंड तक ही भूनना है क्योंकि इसमें जलने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं थोड़ा सा ही इसे फ्राई करना है और फिर इसमें डालना है अपना पेस्ट जो हमने टमाटर और अदरक लहसुन प्याज का बना के रखा था ये देखिए ये रहा वो पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने इसमें बस इसी से आपकी सब्जी का टेक्सचर बहुत बढ़िया आएगा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आएगा और गोभी की ऐसी सब्जी आपके घर में कभी किसी ने नहीं खाई होगी आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट लुक देती है उसकी ग्रेवी बिल्कुल डिफरेंट होती है तो यही ग्रेवी आपको आप घर में भी मिलने वाली है इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह है और थोड़ा सा इसे कुक करना पड़ेगा मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है जितना जार में मसाला था उसी को मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया है अच्छी तरह हिलाते हुए मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हम ढक के पका लेते हैं ताकि इससे ऑयल सेपरेट हो जाए ढक दिया है मैंने और पाँच मिनट के लिए इसे बना लिया है ये देखिए पाँच मिनट बाद ही आपकी सब्जी तैयार हो गई है ऑयल अलग हो गया है इसमें बॉयल आ गया है और ये बहुत ही क्रीमी सी लग रही है अब मैं इसमें डाल रही हूँ ने गोभी और आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे ये देखिए ज़्यादा ऑयल नहीं है गोभी आलू में भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ आपको ज़्यादा जोर से नहीं चलाना है नहीं तो आप किस आलू और गोभी है वो टूटने लगेंगे हल्के हल्के हाथों से इसे सिर्फ मिक्स करना है ऑलमोस्ट हमारे आलू और गोभी पके हुए हैं आपको इसे ज्यादा देर नहीं पकाना है सिर्फ पांच मिनट लगातार चलाते हुए इसे भून लीजिए धनिया ऐड कर दिया है मैंने इसमें खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है क्योंकि फ्राई गोभी की खुशबू वैसे ही बहुत बढ़िया आती है बन गई है आपकी सब्जी हो गई है तैयार ट्राई कीजिए रेसिपी को और कैसी लगी मुझे जरूर बताइए थैंक यू गाय बाय